हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम क्लास 12th के बारे में बात करेंगे। मैथ सुबह 7 बजे, फिजिक्स प्रतिदिन शाम 7 बजे चलेगा, केमिस्ट्री शाम 8 बजे चलेगा। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 12 यानी एनसीईआरटी, ठीक है, देखिए मिस हो गया है, एनसीईआरटी द्वितीय प्रश्न पत्र के अध्याय 2 अल्कोहल फिनाल इथर, ठीक है, अल्कोहल फिनाल इथर भाग 3। तो देखिए इसमें हमको पढ़ना है अल्कोहल फिनाल इथर, ये तीन पार्ट में हमको पढ़ना है। तो हम आपको अल्कोहल के बारे में पढ़ा चुके हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसकी वीडियो को जाकर देख ले। अल्कोहल में हमको पढ़ना क्या था, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल, तो इन दोनों को हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे वीडियो तो जाकर उसको देख ले। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक। अब हम पढ़ना है हमको ईथर, तो ईथर तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके पहले हमने इसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हो तो आप उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो ईथर में हमको पढ़ना क्या है, इस वीडियो हमको ये भाग 3 है ये वाला वीडियो, तो इसमें हमको इसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना है, जो इसके बाकी है इसमें कुछ रासायनिक गुण है इसको हम पढ़ेंगे इसमें। तो क्या है देखिए, पहले PCl5 से क्रिया, ठीक। तो PCl5 होता क्या है पहले इसको देखते हैं, इसका नाम क्या होता है, इसके पहले हमने बहुत सारे रिएक्शन बताए हैं उसमें आपको बता दिए हैं, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं देखे हैं तो चलिए हम इसमें आपको बता देते हैं। तो क्या होगा देखिए, यह फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, इसी का नाम है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, से क्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, एथिल क्लोराइड। तो कैसे बनाता है चलिए हम आपको बनाकर दिखा देते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए क्या होगा, पहले तो जब फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, तो चलिए देखिए पहले हम लिखेंगे डाई एथिल ईथर, उसका लिंक क्योंकि उसी से करा रहे हैं, उसी का रासायनिक गुण चल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहां लिख देते हैं रासायनिक रासायनिक गुण, दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हो गया रासायनिक गुण। तो देखिए अब इसको, तो क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे डाई एथिल ईथर का सूत्र, तो हो जाएगा C2H5OC2H5, ठीक। तो इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर, ठीक, समझ में आ रहा है। अब किससे क्रिया कराना है, PCl, तो हो गया। तो देखिए तब हम क्या करेंगे, ये P, इसमें P लेंगे और O, ध्यान से देखिए क्या क्या ले रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो हो गया P ले लिए और यहां से O ले लेंगे, O हो गया, यहाँ Cl कितना है, 5 है, ठीक है, तो Cl 5 है, तो इसमें से Cl कितना निकालेंगे हम, 3 निकालेंगे, तो हो जाएगा POCl3, ठीक। और क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा, अब यहां है C2H5, समझ रहे हैं, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, एक को यहां पे है और एक को यहां पे है, कितना है, 2 है, 2 हो गया C2H5, 2 हो गया। अब Cl कितना है, यहां 3 निकाल, 5 था, 3 निकल गया, 2 बचा, तो यहां पे 2 कॉमन कर लिए हैं, तो यहां Cl लिख देंगे, तो ये हो गया एथिल क्लोराइड, ठीक, ये हो गया एथिल क्लोराइड, और ये क्या हो गया, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है, ये पता है आपको, चलिए इसका नाम लिख देते हैं फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है। चलिए तो आपको ये समझ में आ गया रिएक्शन, इसका नाम क्या हो जाएगा, फास्फोरिल क्लोराइड, तो इसको लिख लेते हैं, देखिए इसका क्या हो जाएगा, फास्फोरिल क्लोराइड, क्लियर इतना। चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगला इस रिएक्शन क्या है,
इसको पहले समझते हैं, उसके बाद इसको करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब एसिटिल क्लोराइड तो बोल दिया, आपको एसिटिल क्लोराइड का सूत्र नहीं पता होगा, ठीक है, तो हम उसको भी इसमें बता देंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्या कह रहा है। निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या ZnCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल क्लोराइड और एथिल एसिटेट बनता है। बात समझ में आई? तो कैसे बनता है, चलिए हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए पहले हम लिख देंगे डाईएथिल ईथर का सूत्र क्या होता है, उसको लिखेंगे C2H5 हो गया, फिर OC2H5 इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर, ये हो गया डाईएथिल ईथर का सूत्र हो गया, ठीक। अब देखिए क्या होगा, प्लस, हाँ अब देखिए इसमें किससे क्रिया कराना है, ये डाईएथिल ईथर हो गया, तो बोल रहा है कि उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl, ये होता है, इसको नोट कर लीजिए अगर नहीं पता है आपको, तो एसिटिल एसिटिल क्लोराइड ये हो गया, दिखाई दे रहा है आप लोग को, चलिए थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, हो गया एसिटिल क्लोराइड। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसका हम कराएंगे क्रिया, किसकी उपस्थिति में भैया, ध्यान से देखिएगा, AlCl3 और नीचे ZnCl3, ठीक, इसकी उपस्थिति, दोनों की, ये दोनों निर्जल है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ था आप उसको पढ़ लीजिएगा, निर्जल AlCl3 और ZnCl3 की उपस्थिति में इसका क्रिया कराएंगे, या फिर इसको ले या फिर इसको, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, पहले हम उसको देखते हैं। तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, C2H5 है, ठीक, तो हम इसको पहले इसके साथ बाहर कर देते हैं, समझ में आ रहा है आपको, तो देखिए इसको कर लेते बाहर, C2H5Cl निकल गया इतना, अगर जगह नहीं है तो प्लस करके हम यहां लिख देते हैं नीचे, इधर देखिए ऊपर जगह नहीं है तो हम इसको नीचे लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे, चलिए इसके आगे का स्टेप इधर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ CH3 है जो था पहले, हम उसको निकाल दिए, अब बचा CH3, ठीक, तो इसको लिख लेते हैं, हो जाएगा CH3, समझ रहे हैं बात को, चलिए अब जो C है ये वाला इसको भी लिख लेते हैं, हो गया। अब देखिए क्या होगा, एक खो O यहाँ पे है और एक खो O यहाँ पे है, दो O हुआ तो हम दोनों को बीच में लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए क्या बचा, ध्यान से देखिएगा, अब इसमें बचा है ये, तो इसको लिख देंगे C2H5, हो गया, कोई डाउट, डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एथिल क्लोराइड, ये हो गया एथिल क्लोराइड, ठीक। अब देखिए ये क्या होगा, इसका नाम होगा, जो बनाना था हमको क्या बनेगा, देखिए एथिल क्लोराइड तो बन गया और एथिल एसिटेट बनेगा, तो इसका नाम हो जाएगा, ये होगा एथिल पूरा एसिटेट, तो हो जाएगा एथिल एसिटेट, ठीक, ये हो गया। चलिए अब हम आपको अगला रिएक्शन बताते हैं, तो अगले में देखिए क्या है, अगला है अपचयन, ठीक, तो चलिए अब हम उसको समझते हैं, तो अपचयन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अपचयन को समझते हैं, तो अपचयन में होता क्या है, पहले अपचयन में होता है हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ये तो आपको जानते हैं या फिर हम इसको हर बार बता रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जब डाईएथिल ईथर, ठीक, का अपचयन कराते हैं तो एथेन बनता है, ठीक। तो कैसे बनता है अब हम ये देखते हैं, तो हो जाएगा C2H5, ठीक, OC2H5, ये क्या हो गया, ये हो गया डाई एथिल ईथर, ये हो गया डाई एथिल ईथर, ये इसका नाम हो गया। अब देखिए आगे समझिए, प्लस 4H, मतलब इसका अपचयन हो रहा है तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा, समझ रहे हैं,
तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम क्लियर कराएंगे। यहाँ क्या रहेगा, लाल फास्फोरस प्लस एच आई की उपस्थिति में, ठीक है, समझ जाइए। तो देखिए अब क्या करेंगे, पहले C2H5 एक को यहाँ पे है और एक को यहाँ पे है, हुआ। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं। देखिए दो हो गया, ध्यान से देखिएगा, C2 है तो C2, ठीक। अब देखिए यच कितना है उसको समझते हैं, तो यच यहाँ पे कितना है, ध्यान से देखिएगा, यच 5 है, 5 × 5 = 10, 10 × 4 = 14, पूरा 14 ठो है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे करेंगे हम C2H, यच लिख लेंगे, तो जो यहाँ 5 ठो है, ठीक, समझ रहे हैं। देखिए पहले ये समझिए, 2 ठो है तो यहाँ 2 लगा दिए C2H, ठीक है। यच यहाँ पे कितना है, कितना है, 4 ठो है तो एक खो ले लेंगे, ठीक, समझ रहे हैं। 2 ठो लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे C2H6 हो जाएगा, ध्यान दिखिएगा, प्लस अब बचा क्या है, यहाँ पे बचा है H, 2 ठो बचा है H और O, यहाँ पे H2 हो गया, H2O निकल जाएगा, ठीक, समझ में आया। तो हो जाएगा 2C2H6, 6 × 12, 12 × 2 = 14, तो 4, 5, 5 × 10 = 14 हाइड्रोजन था, तो 2 हो गया ये, 2, 6 × 12, 12 × 2 = 14 हाइड्रोजन कंप्लीट है। अब O कितना था, 1 को था, तो O भी यहाँ 1 ही है, ध्यान से देखिएगा। अब सी कितना है, 2 ठो यहाँ पे, 2 ठो यहाँ, 4 ठो सी है, तो 2 × 2 = 4 सी कंप्लीट, एकदम समझ में आ गया। इसका नाम क्या समझ लेते हैं, हम इसका नाम हो जाएगा एथेन और ये हो जाएगा जल, ठीक, समझ में आ गया आपको अपचयन। चलिए अब आपको अपचयन समझ में आ गया, तो अब हम निर्जलीकरण बताते हैं, निर्जलीकरण क्या होता है इसके बारे में, अगला देखते हैं रिएक्शन। तो यह है निर्जलीकरण, तो देखिए क्या होता है, ईथर यानी डाइएथिल ईथर की बात हो रही है, वाष्प को एलुमिना, एलुमिना समझते हैं, अभी हम लिख को दिखा देंगे, तो 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करने पर एथिलीन बनता है, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं कैसे बनता है, उसको बनाकर दिखाते हैं। तो हो जाएगा C2H5, ठीक, OC2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर, इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या कराएंगे, प्लस नहीं, ये बोल दिया ना एलुमिना पे इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट इसकी उपस्थिति ले लेते हैं। तो एलुमिना का सूत्र क्या होता है उसको देखते हैं, Al2O3, इसको क्या कहते हैं, एलुमिना कहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ताप कितना होगा, ये इधर लिखा हुआ है, तो इसको लिख लेंगे 360 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, ये हो गया एलुमिना। अब देखिए बनेगा क्या, पहले ध्यान से देखिएगा, C2H5 एक को यहां पे है, ठीक, समझ रहे हैं। पहले गिन लेते हैं कि कितना है, C कितना है, 2 ठो यहां पे, 2 ठो यहां पे, 4 ठो है, ठीक, और H कितना है, 10 ठो है, और O कितना है, 1 ठो है, समझ रहे हैं। तो पहले हम कोशिश करेंगे H2O निकालने की, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम 1 ठो H2O पहले निकाल देते हैं, इसमें से H कम करें 2 ठो, समझ रहे हैं, या फिर इसमें से कम करें, मतलब तो एक ही है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं, पहले H2O निकाल देते हैं, चलिए यहां से हम H2O निकालते हैं, यहां 2 ठो H2O निकाल के O निकाल देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए H2O निकाल दिए, ये O तो चला गया एकदम साफो साफ, और यहाँ H कितना है, 5 ठो है, तो हम 2 ठो पहले निकाल दिए, तो बचा कितना, 3 ठो बचा, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसे डाउट लग रहा है तो चलिए एक प्रोसेस और हम निकालते हैं। देखिए आपको ऐसे निकालेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब आप उसमें बच सकते हैं, कहने का मतलब ये है, निकालने के लिए तो निकाल के घुसा देंगे लेकिन आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, थोड़ा डाउट हो जाएगा। तो चलिए हम और भी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, यहाँ C2H5 है, यहाँ C2H5 है, समझ रहे हैं, एक खो यच इसमें से निकालेंगे और एक खो यच इसमें से निकालेंगे, समझ रहे हैं, इसमें से 2 निकल के आए तो कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो समझ में आ जाएगा ना, एक खो यहां से निकालेंगे, एक खो यहां से बराबर निकालेंगे, तो H2 निकल गया, O तो साफो साफ निकल गया, अब समझ में आएगा आपको बिल्कुल, ठीक है। तो हो गया H2O निकल गया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जल, क्लियर है। अब देखिए C2 तो है, H कितना बचा,
पांच ठो था तो एक ठो निकाल दिए हैं तो बचा चार ठो। यहाँ पे सी टू है, यहाँ से भी एक एच निकाल दिए तो बचा चार ठो। तो सी टू एच फोर बचा है तो कितना है, दो ठो है। तो हम दो सी टू एच फोर लिख सकते हैं। देखिए ये तरीका बिल्कुल सही लगा आपको, अगर वैसे करते जैसे बता रहे थे पहले तो वैसे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये बन गया। क्या बना, अभी हम बता रहे थे आपको एथिलीन बनता है, तो ये हो गया एथिलीन। ठीक, क्लियर है आपका। चलिए ये समझ में आ गया, तो हम एक रिएक्शन आपको और बताते हैं। तो देखिए लास्ट रिएक्शन बचा इसमें का, तो ये क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, यानी उसके साथ क्रिया होता कैसे होगा। देखिए पहले समझते हैं, जब डाई एथिल ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है तो क्या बनता है, एथिल एसिटेट बनता है। बात समझ में आई, तो कैसे बनता है ये समझिए, ध्यान समझिएगा। रिएक्शन थोड़ा पेचीदा है लेकिन हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से डील करने वाले हैं, समझ रहे हैं बात को। तो चलिए पहले देखिए कैसे लिखा जाता है, क्या प्रोसेस होता है। पहले देखिए ये होता है रिएक्शन कुछ इस प्रकार से, इसका मतलब इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर का C2H5O C2H5। ये होता है डाई एथिल ईथर का सूत्र। ठीक, अगर हम इसको ऐसे न लिख के ऐसे लिख दें, मतलब इसमें कुछ खिलवाड़ कर दे, तरह से कहते हैं C2H5। ध्यान से देखिएगा C2H5 कितना है, एक खो यहाँ पे दो ठो है। तो हम इसको ऐसे बंद करके यहाँ दो लिख दें और O जो बचा है उसको यहाँ लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो चलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, रिएक्शन ही कुछ हमको बनाना है तो उसके हिसाब से हमको चलना होगा। ठीक है, अब देखिए प्लस किससे कराई जाएगी, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, चलिए हम लिख के दिखा देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गया डाई एथिल ईथर। ठीक, तो ये हो गया डाई एथिल ईथर। अब उसका हम लिखते हैं किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का। तो उसका सूत्र होता है, उसको भी देख लीजिए, उसका होता है CH3। ठीक, CO ट्वाइस O, ये होता है एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एन हाइड्राइड, ये हो गया इसका नाम, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए O कितना है, पहले इसको नोट करते हैं, दो यहां पे O है। ठीक, तीन एक चार, O कितना है, चार ठो है। तो चलिए अब हम इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए C2H5 भी दो ठो है, ये भी दो ठो है, तो CH3 कितना है, इसको देखिए दो ठो, ये भी है CH3 दो ठो है, यहां दो लगा है तो CH3 भी दो ठो है। तो चलिए हम इसको रिएक्शन कराते हैं फिर समझते हैं। तो CH3 हो गया, कितना है, दो ठो है, तो इसके आगे दो लगा दिए, इतना लफड़ा खत्म हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए C कितना है, दो ठो C भी है। ठीक, तो C को यहां लिख देते हैं और इसके आगे दो लगा है तो ये दो कंप्लीट हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए बचा क्या है, O चार ठो है। ठीक, तो चलिए हम लिख लेते हैं, तो जो दो ठो O है, ये है यहां पे दो ठो O है, हम उसको ऐसे लिख लेते हैं, दो ठो O हो गया और दो ठो O जहां यहां कहां था, देखिए कितना है, दो ठो ये है और एक तीन एक चार, चार ठो है, तो दो ठो हम ये वाला लिख चुके हैं और ये वाला बाकी है, समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो यहां दो लगा दिए तो दो ठो ये हो गया और दो ये चार हो गया, समझ में आ रही है बात। चलिए तो ऑक्सीजन भी कंप्लीट है, अब बचा क्या है आपका C2H5, ये कितना है, दो ठो है, तो इसको लिख देते हैं C2H5 कितना है, दो ठो है, तो दो आगे लगा हुआ है। ठीक, तो ये पूरा बन गया हमारा यौगिक जो बनाना था, तो इसको इसका नाम क्या है, इसी का नाम है एथिल एसीटेट। तो ये हो गया एथिल इतना एसीटेट, तो इसको लिख देंगे एथिल एथिल एसीटेट। ठीक, समझ में आ गया। चलिए तो अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे, कुछ यूजेस हैं इसके हम देख लेते हैं, और एथिल और डाई एथिल ईथर, इसमें ईथर का नाम समाप्त कर देते काम। ठीक है, मतलब इसको खत्म कर देते हैं। चलिए तो देखिए भौतिक गुण इसका क्या है, पहले क्या दिया है, ये होता है यह एक रंगहीन तीक्ष्ण स्वाद वाला
ज्वलनशील व विशेष गंधयुक्त द्रव होता है। ये पहली बात की द्रव होता है, ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता, इसका कोई रंग नहीं होता है, और स्वाद में क्या होता है, तेज होता है। ठीक, ज्वलनशील मतलब जलने वाला, जलने टाइप का होता है। ठीक, समझ रहे हैं। और ये बहुत बुरी तरह से महकता है, मतलब गंधयुक्त भी द्रव है। समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा समझिए, यह जल में कम विलेय है। समझ रहे हैं, जल में कम विलेय है, जल में नहीं घुलता, किंतु अल्कोहल व क्लोरोफॉर्म में पूरी तरह विलेय है, मतलब उसमें पूरी तरह घुल सकता है। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या है, इसका क्वथनांक लगभग 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका इतना क्या होता है, क्वथनांक होता है, किसका, डाइएथिल ईथर का। समझ में आ रहा है। चलिए अब ये होते हैं तीन इसके भौतिक गुण। ठीक, इतना आप तैयार कर सकते हो। और देखिए अब इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, मतलब उपयोग। ठीक, तो चलिए इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसके यूज क्या होता है, पहले देखिए तेल, वसा तथा अन्य कार्बनिक विलायकों के रूप में इसका यूज होता है, मतलब इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा क्या है, निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोश करने के लिए, निश्चेतक मतलब बेहोश, जिसे वो बेहोश करना होगा तो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। और क्या है, तीसरा क्या है, पावर अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल जो होता है, पावर अल्कोहल एक होता है, उसको बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसमें ईथर का जो था, इसको तीन पार्ट में हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब आप इसको बारी बारी से इसका पार्ट बाय पार्ट पढ़ सकते हैं और एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और एक बात और बताना जरूरी है, सबसे पहली बात ये हमेशा बताते हैं, इस बार भी बता रहे हैं कि 7 से 8 चलता है फिजिक्स का क्लास और 8 से 9 के बीच में चलता है केमिस्ट्री का क्लास। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने निर्धारित टाइम पे आकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद।